फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पहली और दूसरी लहर जैसे हालात उत्पन्न न हो जाएं, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है और मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट अब ऑनलाइन कर दिए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है, इसे लेकर लोग सहमे हुए हैं। सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है, जिससे दूर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनसेवा केंद्र के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद जरूरी प्रक्रिया को घर पर बैठकर ही पूरा किया जाएगा। इससे टेस्ट की व्यवस्था भी ऑनलाइन की गई है, यानी अब टेस्ट देने के लिए आरटीओ कार्यालय नहीं जाना होगा। लोग भी अब पहले की तरह भीड़ में जाने से बच रहे हैं। विभाग ने यहाँ पहले दिन में 70 से अधिक आवेदन आते थे, वहीं अब 40 से 50 आवेदन आ रहे हैं। आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? ऑनलाइन आवेदन करते समय जो फोटो अटैच की होगी, टेस्ट देते समय उसी के चेहरे का मिलान होगा। इस वजह से आप उसी कंप्यूटर लैपटॉप पर टेस्ट दे सकेंगे जिसमें कैमरा लगा हुआ होगा। टेस्ट देने वाली जगह पर रोशनी होनी चाहिए। टेस्ट देते वक्त साइड में कोई व्यक्ति मौजूद ना हो। किसी की परछाई भी दिखाई दी तो परीक्षा में असफल कर दिया जाएगा। कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। जिन लोगों को जानकारी का अभाव होगा, उन लोगों का टेस्ट कार्यालय में कराया जाएगा, ताकि लोगों को लाइसेंस बनवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी कोविड की नियमावली है और जो भी रिसेंटली भी जारी हुई है, हम लोगों ने अपने ऑफिस में भी सब लोगों को समय समय पर चेक करते रहते हैं कि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने इधर उधर ना घूमे, और सामान्यतः सबको टोकते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं। और आपने जो लाइसेंस के लिए प्रश्न किया है, और लाइसेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ई KYC कर दिया है हमने, जो आपका आधार होता है, आधार को डालते हुए तो उसमें एक और व्यवस्था दी है, किसी के आधार पे अगर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और वो कहता है कि मेरी सही है, तो उसमें ऑप्शन दिया है, वो डालेंगे एक ही चीज़ पर, एज और एड्रेस दोनों के लिए वो अप्रूव करते हुए आप भर देंगे, वो वहाँ से कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से उसकी स्क्रूटनी वेरीफाई कर देंगे, सारे कागजों को ठीक भरे हैं, उसके बाद से ऑनलाइन वो चला जाएगा, ऑनलाइन ही टेस्ट देंगे। वो ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अगले दिन या शाम तक हम उसको अप्रूव कर देंगे, दोस्तों घर बैठे लाइसेंस बन जाता है। इसको फेसलेस प्रक्रिया बोल रहे हैं कि फेसलेस बिल्कुल हम कर रहे हैं, कि आने की जरूरत नहीं है उनको कार्यालय आने की जरूरत। सर, फेसलेस प्रक्रिया में टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादातर सुनने में मिल रही है, क्योंकि कई लोगों को उसका जो OTP मिलता है वो 7-7 दिन बाद लोगों को मिल रहा है, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है, OTP नहीं जाता है। वो पेपर अपने अपलोड करते हैं सिस्टम पर, फीस काटते हैं, सारा कुछ करने के बाद पेपर अपलोड करने के बाद जैसे ही वो आता है, हम उनको यहाँ से खाली स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करते ही उनके पास चला जाता है, वो फिर अपना लगभग 15 सेकंड का टाइम है, उसमें 9 क्वेश्चन पास करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको अपने आप ही ऑनलाइन ये पता लग जाता है कि मैं पास हुआ कि फेल हुआ। जैसे ही पास होंगे वो तुरंत जो है अप्रूव कर देते हैं, यहाँ से उसका लाइसेंस बन जाता है, वो अपना डाउनलोड कर लें, फिर उसके 30 दिन बाद अपना परमानेंट के लिए अप्लाई कर दें, और परमानेंट में अप्लाई करने के बाद में उनका लाइसेंस बन जाएगा। इस पर एक और सुविधा रखी है, मेरे को आते ही यहाँ पता लगा कि कुछ लोगों के पास, बच्चों के पास में गाड़ी नहीं है, तो मैंने हर रोटेशन में ड्राइविंग स्टूडेंट हमारे यहाँ 3-4, उनकी एक एक हफ्ते की ड्यूटी लगा दी कि भाई जो गाड़ी लेके नहीं आ पा रहा है उससे उसके ड्राइविंग टेस्ट कराते हैं, करा दे जैसे होते हैं, पास करके दे देते हैं। क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट? अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज़ पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।